खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पलसूद जैसे एवं आदिवासी एकता परिषद के नेतृत्व में पलसूद थाने पर ज्ञापन दिया गया। जिले के भोंगरिया हाट 3 मार्च 2020 को वार मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, जिसमें जिले के आदिवासियों का होली के त्यौहार की पूजन सामग्री खरीदने का हाट के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बड़वानी जिला आता है, जहाँ पर संविधान का 73वां संशोधन लागू होता है, जो पश्चिम मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित क्षेत्र में भोंगरिया का हाट लगता है और उसमें मोटे तौर पर खाद्य सामग्री बेची जाती है, जिसकी जांच की जाए, दारू एवं सट्टा बाजार पर प्रतिबंध किया जाए, इसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन राष्ट्रीय जैस जिलाध्यक्ष इंजीनियर निर्मल नरगावे ने किया। इस दौरान उपस्थित आदिवासी एकता परिषद प्रदेश कोषाध्यक्ष सरदार चौहान, जिलाध्यक्ष गुलालिया कनास्या, इंजीनियर निर्मल नरगावे, जैस जिला महासचिव अनिल नरगावे, सीताराम पटेल, राम सिंह बर्डे, जाड़िया भाई, उमेश पिपलौदे, रमेश चौहान, बुदला रावत, मुकेश बर्डे, होमू बर्डे, बिनाजिया जमरी, तिकला ठाकुर एवं अन्य साथी मौजूद रहे। वस्तु बेचने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग मानवीय स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। जिस गांव में भोंगरिया हाट है, उस गांव में शराब पूर्ण रूप से बेचना बंद हो। बड़वानी जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पेशा एक्ट लागू होता है, जिसमें दादा क्या नाम आपका? सरदार चौहान। दादा किस तरह का ज्ञापन दिया गया आज? प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 3 तारीख से भोंगरिया हाट चालू होने वाला है, होली का हाट चालू होने वाला है। इसको लेकर हमने जयस और आदिवासी एकता परिषद के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हाट की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और लाल काली भौरा तितली वगैरह जो चलता है वो नहीं चले, असामाजिक तत्व पे नकेल कसी जाए, इस संबंध में आज हमने थाना पलसूद पर ज्ञापन दिया गया। समय जगत के लिए पलसूद से कैमरामैन राजेश कनौजे के साथ जाहरिया डुड्बे की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।